नमस्ते, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। इस चैनल से हम लोग वैदिक ज्योतिष शास्त्र के बारे में कुछ सीख रहे हैं। छोटे छोटे वीडियो में छोटे छोटे तरह से आसानी से सीख रहे हैं। हम लोग योग देख रहे हैं, मतलब ग्रहों के एक दूसरे के साथ जो योग होते हैं उसका क्या फल मिलता है हम लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग गज केसरी योग देख रहे हैं। सभी जानते हैं कि गज केसरी योग अच्छा योग है, ये तो हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन उसके भी प्रकार हैं, वो आज हम लोग सीखने वाले। प्रथम जो प्रकार है, जो फर्स्ट वाला है, तो वो तो सभी के मालूम है कि चंद्रमा और गुरु, लग्न कुंडली में चंद्रमा और गुरु या बृहस्पति केंद्र में होने चाहिए, मतलब चंद्र के केंद्र में। चंद्र से 1, 2, 3, 4 चौथे घर में होना चाहिए। चंद्र और बृहस्पति अगर एक दूसरे के केंद्र में हो तो गज केसरी योग होता है। मैं रिपीट करती हूँ, चंद्र और गुरु में केंद्र योग होना चाहिए तो ही गज केसरी योग होता है। दूसरा योग देखते हैं अभी हम लोग, बुध गुरु शुक्र ये अस्तगत नया होने चाहिए, मतलब रवि के साथ हो, क्योंकि बुध तो रवि के साथ ही रहेगा, तो बुध शुक्र और गुरु ये अस्तगत ना हो और उन तीनों की भी दृष्टि चंद्रमा के ऊपर हो तो गज केसरी योग होता है। मैं रिपीट करती हूँ, बुध शुक्र और बृहस्पति ये तीनों भी अस्तगत ना हो और तीनों की भी चंद्रमा के ऊपर अगर दृष्टि हो तो गज केसरी योग होता है। अभी अगला योग देखते हैं, चंद्र बुध गुरु और शुक्र ये चारों के बारे में है। चंद्र बुध गुरु और शुक्र केंद्र में हो, एक दूसरे के तरफ देख रहे हो, उनकी दृष्टि हो और उसमें से एक ग्रह या उच्ची का होना चाहिए तो ही गज केसरी योग होता है। मैंने यहाँ पे दिखाया है कि मेष राशि में ये काल पुरुष की कुंडली पर ले ली है मैंने। मेष का बुध है, कर्क का गुरु है जो गुरु की उच्च राशि है, शुक्र स्व राशि में बैठा है तुला राशि में और चंद्रमा मकर राशि में है। चंद्र की गुरु की तरफ दृष्टि है, बुध की शुक्र की ओर दृष्टि है, गुरु की चंद्र की ओर दृष्टि है और शुक्र की बुध की ओर, एक दूसरे की तरफ देखना चाहिए और सभी केंद्र में हो और उसमें से एक ग्रह उच्ची का हो तो गज केसरी योग होता है। अभी अगला हम लोग देखेंगे जो गज केसरी योग क्या होता है, तो उसके बारे में देखते हैं। ये अगला जो योग देख रहे हैं उसमें क्या है, तो चंद्रमा उच्ची का होना चाहिए, किसी भी हालत में चंद्रमा उच्ची का होना चाहिए और गुरु की चंद्रमा पे दृष्टि होनी चाहिए और उसके साथ साथ शुक्र की भी दृष्टि होनी चाहिए। तो शुक्र अभी सामने ही बैठा है, सप्तम स्थान पे बैठा है, गुरु यहाँ पे भी बैठ सकता है, यहाँ पे भी पंचम या भाग्य में बैठेंगे तो गुरु की पांचवी दृष्टि भी आ जाएगी, या गुरु सप्तम में बैठेंगे तो भी उनकी सप्तम दृष्टि भी आ जाएगी। इस तरह से ये योग बनता है। मैं रिपीट करती हूँ, चंद्र लग्न कुंडली में उच्ची का हो, उसके ऊपर शुक्र की दृष्टि हो और गुरु की भी दृष्टि होनी चाहिए तो ही गज केसरी योग होता है। गज केसरी का मतलब मैं आसानी से बताती हूँ आपको कि कितना भी झुंड हो, क्या बोले हम लोग, हाथी का या किसी का भी, लेकिन एक सिंह ही काफ़ी होता है। वैसा ही ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन बनते हैं तो पूरा दुख और ये सब प्रॉब्लम जो लाइफ में रहते हैं वो चले जाते हैं।
ऐसा देखा है और हमारे पूर्वजों ने जो इसके शास्त्र के बारे में लिखा है उसमें जरूर इसका नोट किया है कि ये गजकेसरी योग होने से जीवन अच्छी तरह से बीता जाता है और सुख समृद्धि मिलती है। तो ये गजकेसरी योग मतलब गज मतलब हत्ती और केसरी मतलब राजा जैसा योग, गज तो भव्य रहता है ये तो हम लोगों को मालूम है, तो ये कॉम्बिनेशन के उसे धन मिलता है, सभी सुख मिलते हैं, इस तरह से ये गजकेसरी योग होता है। कुंडली में किसी की भी कुंडली चेक करते वक्त हम लोगों को ये योग एक एक करके देखने चाहिए कि कौन सा योग बन रहा है, किस तरह का लाइफ उसका रहेगा, तो आपको प्रेडिक्शन करने में या वो कुंडली समझने में आसानी होगी, इसलिए हम लोग एक एक करके योग देख रहे हैं। तो आज हम लोगों ने गजकेसरी योग देखा, आगे भी देखेंगे अगला योग और फिर मिलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलिए, जिससे अगला वीडियो आते ही तुरंत आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।